हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि नितई गौर हरि बोल 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 नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे हरे ओम ज्ञान तमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सब कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्मा नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे संन्यास लेना चाहते हैं और भगवत इच्छा से कैसे भक्त लोग सबके सब एक एक वस्तुओं को लेकर के आए
और महाप्रभु भक्तों का सारे वस्तुओं को ग्रहण किया और श्रीमान महाप्रभु भक्तों को साथ में खूब कीर्तन किया। कीर्तन करते हुए सारे भक्तों को सांत्वना दे करके सब भक्तों को संतोष करते हुए महाप्रभु सब भक्तों को विदाई दिया और विदाई करके सवेरे सवेरे उठे, चार दंड बाकी पहले उठे। उठ करके महाप्रभु श्री गदाधर पंडित और श्री सचिव महापता है महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे, ये दोनों रात भर सोए नहीं। लेकिन विष्णुप्रिया को उन्होंने क्या किया, विष्णुप्रिया को उन्होंने क्या किया, योग निद्रा में विष्णुप्रिया को उन्होंने सुला दिया विष्णुप्रिया को। और महाप्रभु उठ करके माँ को चरण में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए माँ को परिक्रमा किया, बोले मैया तुमने मेरे को जितने स्नेह दिया है, जितना प्रेम दिया है, एक क्षण क्षण में जितना प्रेम दिया, क्योंकि जो माँ क्या करती है बच्चे को गर्भ में 9 महीना तो धारण करती है, जो माता बच्चे को गर्भ में धारण करती है वो माँ को पता है कितने कष्ट से एक बच्चे को माँ गर्भ में धारण करते है। पर इतना नहीं, उसका जो प्रसव पीड़ा बड़ा कठिन प्रसव पीड़ा है, इतना नहीं एक बच्चे को मैया महाप्रभु खुद कहते हैं, बोले दंडे दंडे जत स्नेह करीला हमारे कोटि कल्पे वो नारी वो जो जो दीवारे, कहते हर दंड दंड में जो स्नेह करती है माँ है, एक माँ जो बच्चों को एक दंड दंड में जितने प्यार करती है, जितना प्रेम करती है, महाप्रभु कहते हैं कोटि कल्पे वो नारी में जो दीवारे, कहते करोड़ जन कल्प में भी कोई भी माँ की ऋणी से उऋणी हो नहीं सकते हैं, हैं? इसलिए महाप्रभु ने कहा भैया मैं जन्म जन्म में मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, एक जन्म में नहीं। क्योंकि जब जब भगवान कृष्ण आए रामावतार में, भगवान जब आए कौन सा अवतार, वामन अवतार में जब आए, भगवान जब श्री हैं अलग अलग अवतार में आए, हर अवतार में सच्ची मैया ही कृष्ण का माँ बन करके आए और माँ के प्रेम अद्भुत है माँ के प्रेम। इसलिए महाप्रभु ने माँ को बार बार प्रणाम किया, उनको छाती पर हाथ रख करके बोले मैया तुम्हारे जितने भार सब मेरे ऊपर हैं, भले ही मैं कहीं क्यों नहीं रहो सारे दायित्व मैं संभालूंगा, हैं? बोल करके माँ का चरण धुल लिया, मैया को उन्होंने परिक्रमा किया, परिक्रमा करते हुए महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सुना सुना अरे भाई प्रभु रे संन्यास जे कथा सुन ले सर्व बंध हरि नाश। अगर कोई महाप्रभु का संन्यास का बात सुनते हैं उसका क्या होगा, कहते उसका सारे बंधन समाप्त हो जाएगा। बोले क्यों, कारण क्या, कहते एक तो भगवान की कथा सुनने से और महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया, जब सोचे कि जब महाप्रभु ही स्वयं संन्यास ग्रहण किया भगवान होकर के क्या करनी चाहिए, हमें भी संन्यास लेनी चाहिए, हमें भी संन्यास लेकर के क्या करनी चाहिए, काय मन और वाक्य ये तीनों को दंड करते हुए संपूर्ण ये शरीर को कृष्ण सेवा में हमें लगानी चाहिए। अभी महाप्रभु तो संन्यास लेकर चले गए जीव को उद्धार करने के लिए और सच्ची मैया तो इसको देख करके ठगी से ठगी रह गई। मैया जैसे कि लकड़ी होता है ऐसे श्री मैया एक लकड़ी जैसे मैया बन गई हैं। अभी किसी भक्तों को पता नहीं महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे। इतने में जब सवेरे सवेरे हुआ सारे भक्त लोग सवेरे सवेरे क्या करते महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते। जब सवेरे सवेरे भक्त लोग ने आए प्रणाम करने के लिए क्या देखा, देखा सची मैया घर बाहर खड़ी हुई है और अजोर नयन से आंखों का आंसू मैया की बह रही हैं, हैं? इसलिए मैया ने कहा देखो तुम लोग वैष्णव हो, तुम लोग वैष्णव हो, वैष्णव क्या करते हैं, कहते विष्णु के जितने सारे वस्तु है इसमें वैष्णव का ही अधिकार है। महाप्रभु विष्णु थे गौर नारायण, उसका जितना वस्तु तो संन्यास लेकर के चला गया,
अभी जो संन्यास लेकर चला गया उसका जितने वस्तु वो छोड़ कर गया, विष्णु की जितना सेवा की वस्तु में वैष्णव का ही अधिकार। तुम लोग महापुरुष का जो एक एक चीजों को तुम लोग ही सबके सब तुम लोग ग्रहण करो। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भोगर वस्तु जगत लुटिया खाए, कृष्ण सेवा वस्तु जगत लुटिया खाए। मतलब जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान की सेवा की वस्तु, हर चीज अगर कृष्ण सेवा में लगता तो तभी वो चीज का सार्थकता। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सार दुनिया के वस्तु को लूट पड़ कर खा रहे हैं। लेकिन किसी का भी किसी का भी ये कर्तव्य नहीं कोई वस्तु को ग्रहण कर सके। क्यों? कारण है कि उपनिषद क्या कहता है, ईसा वासमिदं सर्वं यत्किंच जगत अजगत तेन त्यक्तन खुंजिता मानृत कस्यचिदनाम। मतलब जगत में हमें जो कुछ देख रहे हैं हर वस्तु भगवान का है। क्या करनी चाहिए? हर वस्तु का तभी सार्थकता जब वह वस्तु भगवान की सेवा में लगे। फिर वो चीज को जब हम ग्रहण करेंगे, गीता में बताया ना, क्या गीता में क्या बताया, कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक बोलो, जितने साधु है वो सारे पाप से मुक्त है। बोले क्यों? बोले यज्ञ शिष्टा से न संत, वो जो कुछ गाते हैं भगवान को अर्पण करते हुए उनकी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो सारे पाप से मुक्त हैं। लेकिन तो अगम पापा जे पचते आत्मकर्म, जो लोग स्वयं बना करके बगैर भगवान को भोग लगाए जो ग्रहण कर लेते हैं, कहते भुंजते तो अगम, कहते वो सबके सब पाप को ग्रहण करते हैं, हैं? इसलिए मैया कह रही है तुम लोग वैष्णव है, विष्णु का सारे वस्तु है किसका अधिकार, वैष्णव मतलब है हम लोग कौन है, वैष्णव है, ठाकुर जी के हम संतान है, हम लोग वैष्णव धर्म ग्रहण किया। ये दुनिया का जितने सारे वस्तुओं किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, हम लोग का अधिकार है। और किसका अधिकार है ही नहीं, क्यों, हम लोग उनकी संतान है ना। इसलिए कहते हैं जगत रे पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, जन्म जन्म पितृ धरि प्राप्त कितार जन्म जन्म ताप। जगत पिता कृष्ण जे ना भज बाप, जो व्यक्ति जगत का पिता कौन है, जगन्नाथ है, जब जगन्नाथ जगत का पिता जो व्यक्ति उसको बाप बोल करके भजन नहीं करता है, क्या है वो, कौन है, कहते पितृ द्वही वो पातकी, कहते जन्म जन्म ताप, उसको जन्म जन्मांतर उसको केवल दुख ही दुख भोगना पड़ेगा है। इसलिए मैया कह रही है देखो बच्चों, ये जितने महापुरुष का जो जितना वस्तु छोड़ कर गया उनको सब बांट लो, सबके सब बांट लो। इतना बोल करके और जितने वैष्णव लोग थे भक्तरा जब सुना महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, कुछ भक्त तो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े और भक्त लोग अपना गले में गला लगा करके रोने लग गए है। और ये बात क्या हुआ है, सारा दुनिया में फैल गया, क्या फैल गया, नवद्वीप में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और जितने सारे भक्त लोग हैं सबके सब भागते भागते आए हैं। कहते आज ये रात कैसे बीता, ये रात कैसा ही सवेर हुआ, हमको ये सवेर रात हम देखना कैसे पड़ा, हम कितने दुर्भाग्य है जो महाप्रभु संन्यास ले लिया, हमको ये रात बीता कैसे, ये सवेर हुआ कैसे। सबके सब भक्त लोग सबसे पछाड़ पछाड़ करके रो रहे थे सबके सब, कहते हैं भैया और जो महाप्रभु का जो चंद्र वदन है और वो चंद्र वदन हमें और देखने को नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर वज्र गिरा है। बोला अनाथ रे नाथ प्रभु केले न चलिया, आमा सबे विरह समुद्र फैलिया। कहते महाप्रभु कौन है, कहते अनाथ रे नाथ प्रभु, जगत जिसका कोई नाथ है नहीं उसका नाथ है श्री सचिनंदन गौर हरि। इसलिए महाप्रभु चले गए, मतलब क्या है, हम लोगों को है छोड़ करके चले गए, अभी हमको विरह रूपी समुद्र में छोड़ करके चले गए। सारी नदियां का लोग भागते भागते आए
और महाप्रभु बगैर देखे हुए कहते जो भक्त लोग तो रो ही रहे थे, कहते उस समय जो पाखंडी लोग थे महाप्रभु जो विरोध करते थे, निमाई पंडित हमको क्या समझता है, हैं हम क्या हैं, पहले कुछ दिन पहले बड़ुआ था अभी ये बन गया भगवान बन गए, अभी ये साधु गोसाई बन गया, हम भी इसको दिखा देंगे। लेकिन जो महाप्रभु भक्तों को लेकर कीर्तन करने पर जो पाखंडी लोग जो उनका विरोध करते थे वो पाखंडी लोग भी आकर के रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हम तो उसको पहचान नहीं पाए हैं। इसलिए सब भक्त लोग क्या कह रहे थे, बोला अपना घर में आग लगा दो, आग लगा कर क्या करो, चलो कुंडल पहन लो, कुंडल पहन कर चलो हम सब के सब संन्यास ले जाएंगे हैं। इसलिए सब संन्यास ले जाएंगे, हम भी महाप्रभु के बगैर रहेंगे। तो यह वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो लोग द्वेष करते थे महाप्रभु को, जब महाप्रभु चले जाने पर जब ये दुखी हो गए, विरह में महाप्रभु को चिंता में विरह हुए, इनका भी जो अपराध था महाप्रभु के चरण में, इनका सारे अपराध और पाप भी इनका नष्ट हो गया है। इसलिए तो महाप्रभु यही चाह रहे थे ना, जब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, द्वार द्वार में जाऊंगा, सबके सब लोग जो मेरे को प्रणाम करेंगे, बस इनका सारे अपराध पाप दूर हो जाएगा। बोले सुनो सुनो, अरे भाई प्रभु रे संन्यास जगता सुन ले कर्मा बंध जाए नाश। यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते भाई लोग क्या करो, महाप्रभु का संन्यास का बात छोड़ो, सुनो उसको सुनने से तुम्हारी सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। अभी श्रीमान महाप्रभु माघ की महीना और कौन सा दिन था, मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति। अब माघ महीना कहते माघ महीना में जो ठंडा पड़ता है ना, बाघ को भी ठंडा लगता है, दूसरे महीना में जो ठंडा पड़ता है बाघ को ठंडा नहीं लगता है, लेकिन माघ की महीना में जो ठंडा पड़ती है वो बाघ को भी वो ठंडा लगता है, मतलब इतना कड़क ठंडा। और महाप्रभु उसी रात को उन्होंने जो गंगा था, गंगा में महाप्रभु छलांग लगाए और तैरते हुए नदी को पार कर लिया। गंगा देखा है ना, वो दिन कैसे स्रोत बहती, कितने चौड़ा गंगा है, लेकिन महाप्रभु और गंगा के पानी में कितना ठंडा ठंडा ना गर्म है, और माघ महीना में कितना ठंडा होगा वहां। इसलिए वो स्थान को होता है निर्दया घाट है। महाप्रभु निर्दय बन करके सबको छोड़ करके महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, इसलिए उसका नाम निर्दया घाट पड़ गया। और महाप्रभु ने कुल पांच भक्तों को बोले थे कि पांच भक्तों को बोल देना है। पांच भक्त में कौन कौन था बोले तो, पांच भक्त में कौन कौन था, कहते हमारे जननी गदाधर, ब्रह्मानंद, चंद्रशेखर और आचार्य है, कहते श्री चंद्रशेखर आचार्य और श्री मुकुंद। कहते ये पांच व्यक्ति को महाप्रभु ने बताया था, ये पांच व्यक्ति को तुम बताना। अभी भक्त जिन जिन को महाप्रभु संन्यास लेंगे जिनको बता, तो भक्त लोग जानते हैं महाप्रभु आएंगे काटुआ में, सबके सब काटुआ में आए हैं। जब सबके सब पांच भक्त लोग आए, जिस समय काटुआ में महाप्रभु स्वयं आए, 26 साल उम्र है, एकदम अजान लंबित भुजा अकर्ण लंबित चक्षु, क्या महाप्रभु का सुंदर, इतने सुंदर देख करके केशव भारती है, केशव भारती देख करके महाप्रभु देखकर उनको संभ्रम हुआ, इतना सुंदर देख कर खड़े हो गए, क्योंकि गुरु जी शिष्य को देख कर क्या हो गए, खड़े हो गए। लेकिन नियम किया है गुरु जी को देख कर शिष्य खड़ी होनी चाहिए, लेकिन महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण बंदे जगत गुरु कृष्ण है, इसलिए उनको देख खड़े हो गए। इतने में श्री महाप्रभु कर जोड़ करके हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, आप तो बड़े दयालु है, और कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दित्य भारत तुम्हारे सकत याचे, हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई कव पंच बज। महाप्रभु करे हे केशव भारती, हमके हृदय में भगवान की निवास है, ठाकुर तुम्हारी हृदय में निवास करते हैं, इसलिए आप कृपा करके क्या करो, मेरे को कृष्ण दासत्व हमें प्रदान करो है। और ये बोल करके महाप्रभु का आंखों से जो आश्रु की धार बह रहा था है, जो धार बह रहा था, और महाप्रभु ने भक्तों को साथ में गुरु जी को ये बोल करके जो भक्त लोग आए,
महाप्रभु अपना भक्तों को साथ उदंड महाप्रभु नृत्य कर रहे थे हैं? और महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु का शरीर में अश्रु उल्लास वैवर्ण बेपथो कंप ये सारे अष्ट साथी प्रेम विकार हो रहा था। अब महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। महाप्रभु को ये दिव्य उन्माद राधा रानी के शरीर में जैसे कृष्ण विरह में किलकिंचित भाव दिव्य उन्माद और ये सब चीज राधा जी के शरीर में प्रकट होता था, उसी तरह महाप्रभु का शरीर में भी वो सारे प्रेम प्रकट हो रहा था। सब भारती देख देख कर बोले पावा रे, हमने सुना था हैं? जिसको शरीर में कृष्ण प्रेम प्रकट हो उसका शरीर में, लेकिन अभी तक हमने किसको शरीर में देखा ही नहीं। और महाप्रभु जो पछाड़ खाकर गिरते थे जैसे उनकी हड्डी एकदम चकनाचूर जैसे हो जाएगा, ऐसे अवस्था महाप्रभु का शरीर में, हमने कभी सब चीज देखा ही नहीं। ये चीज को देख करके सब भारती तो आश्चर्य में पड़ गए और जितने वहां पर लोग थे सब महाप्रभु को देख करके, जब लोग वहां के इकट्ठे हो गए, कटुआ की कटुआ गए हो कि नहीं गए हो? कटुआ कटुआ जाने कौन है, ये तो बड़ा पंडित गए आप गए ना, देखो गए इसलिए कटुआ कहाँ पर होता देख लो। इसलिए जब कटुआ के जो आसपास के जो लोग थे, कोई एक 26 साल के एक व्यक्ति बड़ा सुंदर आया, वो संन्यास लेना चाहते, वहाँ पड़ोसी पड़ोसी के लोग सबके सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के जो सुना ये संन्यास लेगा, बोला हाय रे ये संन्यास लेगा हैं? यदि ऐसे जिसका पुत्र होगा वो माता कितने सौभाग्यवती होगा है, जिसका इतने सुंदर पुत्र है। एक तरफ में हाय हाय कर रहे थे, इतना सुंदर जो पुत्र होगा हैं, पुत्र सन्यासी बन जाएगा कितना दुख होगा। दूसरे तरफ में क्या कह रहे थे, जिस कुल में एक वंश में एक अगर वैष्णव जन्म हो जाए क्या लाभ है, बोले कुलम पवित्रम जननी गीतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरि साम जैसाम कुले वैष्णव नाम। जिस वंश में केवल एक वैष्णव पुत्र जन्म हो जाए, बोले कुलम पवित्रम उसका कुल पवित्र हो जाता है, जननी मतलब उसकी माँ भी धन्य हो जाते हैं और उनका पूर्वज लोग स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं और ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य धन्य मानती है। इसलिए सबके सब भक्त लोग बोल रहे थे जिसका ऐसे पुत्र होगा और जिसका ये पति होगा इतने सुंदर, वो कितने सौभाग्यवती नहीं होगी जिसका पति इतने सुंदर है। केशव भारती जिसको देख करके स्वयं जगत गुरु होकर के भी कहते, जे भक्ति तुम्हारे अमी देखिला नयने ए शक्ति अन्य न है ईश्वर रविने। कहते आपका शरीर में आज हमने जो प्रेम दर्शन किया है ये केवल एक ईश्वर का अंदर में ही ये प्रेम ऐसे प्रकट हो सकता है। ईश्वर के बगैर किसी साधारण व्यक्ति के अंदर में कभी ये प्रेम प्रकट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत का नियम है अष्ट सत की जो भाव है एक भाव ही प्रकट होगा, अलग अलग समय पर अलग अलग भाव, लेकिन एक साथ में किसी साधव का शरीर में इतना प्रेम प्रकट नहीं होगा। बोले आपको तो लगता है हम ईश्वर ही है, अब ईश्वर है तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि ये केशव भारती कौन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कोई कोई कहते हैं ये श्री माधवेंद्रपुरी का ये शिष्य है। माधवेंद्रपुरी कौन है? महाप्रभु के गुरु जी के गुरु, ईश्वरपुरी का गुरु कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। नहीं तो भगवान ये केशव भारती से सन्यासी ग्रहण करते हैं, ये कोई साधारण बात है जिससे भगवान स्वयं सन्यासी ग्रहण करे। कोई कहते ये श्री माधवेंद्रपुरी की शिष्य है। महाप्रभु ने कहा है, प्रभु क्या कह रहे हैं, बोले कृष्ण से तो मार
কৃষ্ণ দিতে পার তোমার সকতি আছে। আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি খাই তব পাছে পাছে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি। यहाँ पर श्री महाप्रभु कह रहे हैं केशव भारती, इसलिए आपका हृदय में भगवान का कृष्ण का निवास है। अगर आप चाहो तो, क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय में ही गोविंद विश्राम है। अगर वे चाहे तो गोविंद को वही दे सकते हैं, इसलिए आप ही हमें गोविंद दे सकते हो। इसलिए कारण है निरंतर कृष्ण प्रिय कृष्ण चंद्र बस ही तुम्हारे तुम्हारे हृदय में हर समय कृष्ण चंद्र का निवास है। बोले तुम्हें कृष्ण चंद्र के निज प्रभु बोलिया तुम्हारे हृदय बसाया छो, क्योंकि कृष्ण को अपना प्रभु बोल करके आप अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके रखे हो। इसलिए अमार कौन चेष्टा नहीं, कृष्ण अमार केवल सेवा ग्रहण कर यही चाहिए। इसलिए केवल मैं यही चीज इतना ही चीज चाहता हूँ, कृष्ण केवल मेरे हृदय मेरी सेवा को ग्रहण करे। इसलिए आप कृपा करके मेरे को कृपा करो। प्रभु लगता है आप तो साक्षात ईश्वर हो, आप साक्षात ईश्वर हो, क्योंकि भगवान को सभी नहीं पहचान सकते, भगवान को सभी नहीं पहचान सकते। कहते प्रेमांजन छोरी तो भक्ति बिलोचने न संत सदैव हृदय सो मिलो कोई, तो भगवान को तो केवल भक्त ही पहचान सकते हैं और कोई नहीं पहचान सकते हैं, ये भक्त हैं। इसलिए बोले प्रभु आप तो जगत गुरु जगन्नाथ हो, लगता है आप लोग को शिक्षा करने के लिए मेरे को आप गुरु बना रहे हैं। और महाप्रभु ने उनको क्या बोले हैं, महाप्रभु बोले संसार समुद्र है ते उधार हमारे, यही देह समर पिला मुझे तुम्हारे है। महाप्रभु ने कहा हे केशव भारती आप कृपा करके क्या, और वो क्या कह रहे हैं, कहते प्रभु आप मेरे ऊपर माया मत किया करो हैं, माया मेरे को मेरे ऊपर मत किया करो। हाँ गुरु भी कह रहे हैं मेरे ऊपर माया मत करो और महाप्रभु भी कह रहे हैं मेरे ऊपर में माया मत करो, मेरे को कृष्ण प्रदान करो। इतने में से चंद्रशेखर आचार्य जो वहां पर पहुंचे थे, तो ये प्रतिनिधि हुए सब, तो महाप्रभु ने कहा चंद्रशेखर तुमने यहाँ पर तो कोई नहीं जो सारे मुंडन काम कैसे होगा, महाप्रभु कैसे संन्यास ग्रहण करके यज्ञ कैसे होगा, सारे सामान कहाँ से आएंगे, वहां तो कोई है नहीं। महाप्रभु श्री चंद्रशेखर को ऊपर में दायित्व दिया, बोले तुम स्वयं प्रतिनिधि होकर के ये सारे काम करो। इतने में भगवान की इच्छा से विभिन्न गाँव से बहुत भक्त लोग आए। जब भक्त लोग आए अपना साथ में ही सारे सामग्री को लेकर के आए, कोई दही लाए, कोई दूध लाए, कोई घी लाए, कोई मुद्ग लाए, कोई तांबुल लाए, कोई चंदन लाए, कोई पुष्प लाए, कोई यज्ञ सूत्र लाए, कोई वस्त्र लाए, अलग अलग भक्त लोग अलग अलग चीज लेकर के सबके सब आए और सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी वो। लेकिन जो नाई था जो मुंडन करेगा, नाई महाप्रभु को जो मुंडन करेगा, अभी इतने सुंदर हैं घुंघराल केस, एकदम काले रंग की सुंदर जो केस है वो घोर किया करेगा कैसे, उसको इच्छा नहीं हो रहा है इतने सुंदर केस को मैं काटूं। हैं मेरे गुरुदेव कहते थे, जब मेरे गुरुदेव कहते थे मैं जब मंदिर में पहले आया ना, कहते हैं लोग का बाल में बहुत शौक है, तो कहेंगे नहीं है जगत में जितने शैंपू पता नहीं कितना कितना सब शैंपू में सारे पैसा खर्चा कर देते हैं। सब जब एडवर्टाइज आता है ना कितने बाल, जितने स्त्रियों को भी जितने सुंदर बनाती बाल, एक जितने सुंदर स्त्री की तो उसको केस को काट कर दुनिया में सुंदर को देखेगा है, और इसलिए जितना बाल को ही जितने श्रृंगार करके
ऊपर रखते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कितने सुंदर मेरे केश था, बाल केश था। जिस समय मैं नाई को पास में गया ब्रह्मचारी बन करके, नाई को पास में मेरे काट दो, नाई बोली क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतना सुंदर तुम्हारे केश है। और अरे उसको पूरा मुंडन क्यों कर रहे हो, जो पहला बार जब उन्हें नाई के पास में गया। गुरुदेव कहते हो गया कभी इतना सुंदर तुम्हारे केश, लोग केस को बनाने के लिए क्या क्या जतन करते, क्या क्या करते हैं, इतना सुंदर केस को तुम काट डालोगे, केस के जैसे काट डालोगे। इसलिए गुरु जी कह रहे थे, इसलिए जो साधारण व्यक्ति का इतना सुंदर केस है और भगवान की कितने सुंदर केस है, ठाकुर जी का कितना सुंदर केस है। इसलिए यहाँ पर कह रहे बोले घोर दिते ना पारी से चांद्र चिको माथे हाथ ना दे क्रंदन मात्र करे। कहते नाई कहते उसमें जो खूर है ना, उसमें जो काटने वाले जो वो खोर को उसमें दे नहीं पा रहे, बोले चाचर चिकुरे हम जो घुंघराल केस में कहते हाथ में सर दे करके रो रहे, कैसे इतने सुंदर बाल को मैं काटूंगा हैं। सारे भक्त लोग कान रो रहे हैं, नित्यानंद बेहोश हो गए क्योंकि जब सोचे इतना सुंदर केस अभी महाप्रभु का रहेगा नहीं, महाप्रभु का मंडित मंडप महाप्रभु का मस्तक से बाल काट देंगे, नित्यानंद प्रभु तो बोले मैं देख नहीं सकता हूँ। नित्यानंद प्रभु तो वहां बेहोश हो गए, जितने लोग थे सबके सब हैं, सबके सब रो रहे थे, बोल रहे थे विधाता ने क्यों ये सन्यासी बनाया हैं, ये सन्यासी बेस विधाता ने बनाया क्यों हैं, इसलिए सबके विधाता को गाली दे रहे थे देवदारा। इतने में कहते वहां के सब लोग तो रो रहे थे, इतने में सारे देवता लोग भी स्वर्ग से उतर गए हैं, सारे देवता लोग वहां पर आ गए अलखित रूप में। यहाँ पर कह रहे हैं अलखित रूप में देवता लोग भी रो रहे थे हैं, रो रहे थे। इतने में ब्रह्मांड कंदन में सारे दुनिया वहां पर रोना रोना बह गया। कहते यही से स्थिति हो गया, बोले सुखे काट भी वो भी रोने, महाप्रभु का विरह में वो भी रोने शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। इतने में महाप्रभु का जो शरीर है, शरीर में तरह तरह का प्रेम प्रकट हो रहे, स्वेद कंप अश्रु, महाप्रभु का शरीर अस्थिर नापी तो प्रेम में रो काट नहीं पा रहे हैं। इतने में भगवान ने क्या किया, जोग माया पुण्य महापुरुष स्मरण किया है। बोले जोग माया जब तुम कृपा नहीं करोगे ना कोई खाट काट नहीं सकते, उन्हें जोग माया का स्मरण किया। जोग माया ने जो नाई था ना उसको मोहित कर दिया, अपना जोग माया ने जो उसको मोहित कर दिया, उसको मुक्त कर दिया। इतने में फिर जाकर के नाई किसी तरह से महाप्रभु का मंडन को मुंडित उनको खौर काम किया, समाप्त हो गया। इतने महापुरुष गए गंगा में गए स्नान किया, और जहाँ पर सन्यासी जहाँ पर होएंगे, जहाँ पर गुरुदेव मंत्र प्रदान करेंगे वहां पर महाप्रभु बैठे हैं। इसलिए तब उन्होंने महाप्रभु मंत्र लेने से पहले उन्होंने महाप्रभु तो जगत गुरु है, वो तो जगत गुरु, उनका गुरु कौन बनेगा, जगत का गुरु उनका गुरु कौन बनेगा। इतने में महाप्रभु केशव भारत को कह रहे, बोले केशव भारत जी मैंने रात को ना एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा, एक दिव्य पुरुष कोई आया मेरे कहने में एक मंत्र दिया, देखो तो आप जो मंत्र मेरे को देना चाहते हो ये क्या वही मंत्र है। महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने झरना करके ना पहले सुनाओ क्या मंत्र, तो महाप्रभु गुरुदेव के कान में मंत्र सुना दिया है। मतलब महाप्रभु थोड़ी कोई शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। इतने महाप्रभु ने क्या किया, पहले उनका अपना चेला बना दिया, अपना शिष्य बना करके बोले मैं तो यही मंत्र देना चाह रहा था, मैं यही मंत्र, मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए उन्होंने उनको पहले अपना चेला बना दिया, मतलब मैं तो यही मंत्र देना चाह रहा था। इसलिए छल्ला प्रभु को उन्होंने मंत्र प्रदान करते हुए फिर उन्होंने मंत्र ग्रहण किया, और वहां पर जितने लोग थे सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल रहे थे। इतने में महाप्रभु मंत्र पहले लिया, मंत्र लेकर के फिर उन्होंने के गौर के वस्त्र धारण किया। इसलिए परिलेन अरुण बसन मनोहर ताते हैला कोटि कंदर्प सुंदर, महाप्रभु
कौरव वर्ण में था तो गोरे वर्ण की है। कौरव वर्ण में महाप्रभु ने जब फिर कौरिक वस्त्र ये वस्त्र धारण किया है, महाप्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं क्या सुंदर कोटि कंदर्प सुंदर महाप्रभु दिख रहे थे हैं, जिन्हें जब गोरे व्यक्ति जब ये लाल कपड़े पहनते हैं ना और भी सुंदर दिखते हैं हैं, और भी बढ़िया सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर कहते कोटि कोटि चंद्र जिनीस शोभा बदन प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयन। इसलिए महाप्रभु बोले कोटि कोटि चंद्र जीन करके, इसलिए हम भजन गाते हैं ना बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल गगन से बनने वाला करे झलमल है। इसलिए यहाँ पर करोड़ चंद्रमा को है, करोड़ चंद्रमा को भी मात करने वाले महाप्रभु का रूप है, और महाप्रभु का जो श्री बदन है उनकी दोनों आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा था। कैसे आंखें हैं इनका, आंख कमल नयन है। इसलिए महाभारत में एक श्लोक आया है, क्या श्लोक बोलो, बोले सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदन गदि सन्यास क्री शांति शांत निष्ठा पराय। इसलिए ये श्लोक में महाप्रभु कलयुग में सन्यास ग्रहण करेंगे पहले से ही शास्त्र बोल दिया है। इसलिए कहते हो जब वो गृहस्थ लीला में रहेंगे उनकी चार लक्षण है, जब वो सन्यास ग्रहण करेंगे उनके अंदर में चार लक्षण है, जब घर में रहेंगे चार लक्षण क्या है बोले सुवर्ण है सोने जैसे वर्ण उनका, हेमांग हेमांग मतलब सोना और है मतलब ठंडा, इनका शरीर बड़े ठंडक रहेगा। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग, वरांग मतलब उनका जितने जो महापुरुष का अंदर में जो 26 लक्षण है सारे 26 लक्षण उनका अंदर में रहेगा। 26 लक्षण क्या क्या, आकर्ण लक्षित चक्षु नाक सुख पकी जैसे अधर लाल वर्ण के ललाट विशाल गले में त्रिवली पड़ी होगी, कमर है शेर जैसे सिंह ग्रीव और हस्त अजान लंबित अंगूर है, कहते कहते ना लेडीज फिंगर इसे कहते तो ये अंगूर बड़े सुंदर पतला होगा उनका अंगूर, चरण में लाल रंग होगा हाथ लाल रंग। इसमें बताया कितने लक्षण है एक महापुरुष का अंदर में पूरा के पूरा उनके शरीर में 26 लक्षण सबके सब उनका शरीर में सब प्रकट हो रहा था। वरांग चंदन अंगति शरीर में बड़े सुंदर चंदन चर्चित है नील कलेवर स्वचंदन का द्वारा बड़े सुंदर भक्त लोग उनको श्रृंगार किए होंगे। लेकिन जब वो संन्यास ग्रहण करेंगे जब संन्यास उनका संन्यास उनके शरीर में भी चार लक्षण सुवर्ण वर्ण हिमांग वरांग चंदन अंगत बोले संन्यास क्री है क्या सुंदर संन्यास रूप है, शांत शांति और निष्ठा परायण ये। इसलिए महाभारत में उनका अंदर ये पहले से ही बता दिया महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे हैं। कहते हैं यहाँ पर कहते प्रभु संन्यास रूप है वर्णा वेद, कहते आर को तो वर्णी वेद वेद व्यास जितना दूर हो सका श्री वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णना किया है, लेकिन वो बीच बीच में कहते हैं आर को तो वर्णी वेद वेद व्यास, लेकिन बाद में भी बहुत व्यास होएंगे, केवल एक व्यास नहीं वृंदावन दास ठाकुर व्यास स्वयं है हैं वेदव्यास है, व्यास मतलब होता है वर्णना करने वाले, बाद में भी ऐसे बहुत व्यास आएंगे जो लोग महाप्रभु के अनंत लीलाओं को वर्णना करेंगे हैं अन्न। इसलिए बाद में जैसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास के विराज को स्वयं वर्णना किया, चैतन्य मंगल ग्रंथ हुआ है इसलिए चैतन्य मंगल चैतन्य चंद्रामृत भक्त लोग आए महाप्रभु के सुंदर सुंदर लीलाओं को वर्णना किया। इसलिए कहते आर कौत वर्णि वेद वेद व्यास कहते नाम क्या